इंडिया गठबंधन की नागपुर में रैली आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि इंडिया गठबंधन की रैली नागपुर में आयोजित की जाए। रैली की तारीख अभी तक नहीं हुई है, इसकी जानकारी खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी। कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार पहले ये रैली अक्टूबर में करने की योजना थी, लेकिन नवरात्र उत्सव होने की वजह से फिलहाल इसे आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी अब इसे नवंबर के प्रथम सप्ताह में करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकांश पार्टियों का ऐसा कहना है कि नवंबर में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नागपुर में आने की संभावना कम रह सकती है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्म भूमि है, विचार भूमि है, दीक्षा भूमि है। ताजुद्दीन बाबा ने एकात्मकता का संदेश दिया था, जहां सभी धर्म सभी जाति के लोग वहां जाते हैं। जो रैली हो नागपुर में हो, ये कांग्रेस की इच्छा है, इसी को देखते हुए ऐसा पत्र लिखा गया है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का विशेषकर नागपुर में सभा लेना चाहती है, क्योंकि ये जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कर्म भूमि है, विचार भूमि है, दीक्षा भूमि है। और वैसे भी अवलिया ताजुद्दीन बाबा जिनने भी एकात्मता का जो विषय दिया था, वो सभी धर्म सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलने का, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और ये जगह का एक अलग महत्व है, और इसलिए महाराष्ट्र में जो भी इंडिया अलायंस का मीटिंग होगा, बड़ी रैली होगी, वो नागपुर में हो, यह हमारी भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और इसलिए हमने हमारे शीर्ष नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी को भी हमने उस तरह का खत लिखा है। हमें पता नहीं है, हमें वो पता नहीं, हमें दीक्षा भूमि और ताजुद्दीन बाबा की भूमि इतना ही पता है।